नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज अमेज़न और वॉलमार्ट फंडेड फ्लिपकार्ट कांटे की टक्कर के साथ भारत के ई कॉमर्स मार्केट को डोमिनेट करने के लिए जबरदस्त कोशिश कर रही है। इन जबरदस्त बड़ी कंपनीज के साथ स्नैपडील भी एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेयर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज के वीडियो में जानेंगे स्नैपडील की शुरुआत की कहानी, जिसकी शुरुआत की दो दोस्तों ने, रोहित बंसल और कुणाल बहल। स्नैपडील की शुरुआती कहानी हम जान पाए हैं निखिल इनामदार की बेहतरीन किताब हाउ बनियाज डू बिजनेस से। दोस्तों, इस किताब के अलावा भी हमने बहुत सी और बेहतरीन किताबों से बेहतरीन कहानियां हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इससे बढ़िया बिजनेस, ब्रांड्स और सक्सेसफुल लोगों की ऑथेंटिक कहानियों का चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए अब बिना विलंब किए जानते हैं आज की लाजवाब कहानी हमारे कहानियों के चैनल स्टोरी राइट्स पे। ए जर्नी फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली। रोहित बंसल का जन्म पंजाब के छोटे से शहर मालोट में हुआ, जहां उनके पिता उनके चाचा के साथ परिवार का पुश्तैनी बिजनेस संभालते थे, जिसमें वो लोग किसानों से गेहूं खरीदकर सरकार को बेचते थे और उनके पास फर्टिलाइजर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी थी। रोहित बंसल ने 10वीं तक की पढ़ाई मालोट में ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में की। वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ एक व्यापारी परिवार से होने के कारण वो व्यापार की बातों को भी बहुत अच्छे से जानते थे। कैसे बिजनेस में अनसर्टेनिटी एक रेगुलर अफेयर है, कैसे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। हालांकि जब तक वो स्कूल में थे, उन्हें अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने तो अपनी 10वीं कक्षा में 90% से ज्यादा मार्क्स लिए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पास किया और इन्हीं दोनों के कारण से उन्हें दिल्ली के रेप्यूटेड स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल में दाखिला मिला, जहां जाकर वो अपने सपनों को उड़ान देंगे। ए स्मॉल फिश इन ए बिग पॉन्ड। रोहित बताते हैं कि कैसे मालोट में उनकी पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई थी, पर वो 10वीं तक बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे। तो जब पहले दिन दिल्ली पब्लिक स्कूल में लेक्चर अटेंड कर रहे थे तो वो घबरा गए जब उनके टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा, जो इंग्लिश में देना था। वो तब तक इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दोहराते रहे जब तक उनका नंबर नहीं आ गया। तो इस तरह उनकी दिल्ली की जर्नी स्टार्ट हुई। मालोट में वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से स्कूल में पढ़ और टॉप कर रहे थे, पर यह बिल्कुल डिफरेंट था। ये उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़े समुंदर में एक छोटी सी मछली है और इंग्लिश अच्छे से ना बोल पाने के कारण उनका वहाँ एडजस्ट करना और मुश्किल हो रहा था। उस समय जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से हुई जो उनकी सभी स्ट्रगल को मीनिंगफुल स्ट्रगल बनाएगा और एक ऐसी नींव रखी जाएगी जो मिलियन डॉलर बिजनेस को जन्म देगी। रोहित एंड कुणाल्स फ्रेंडशिप टर्न्ड इनटू ए पार्टनरशिप। दोस्तों, स्कूल में रोहित की मुलाकात कुणाल बहल से हुई, जो उनके बिल्कुल अपोजिट थे। वो थे असली दिल्ली के लड़के। उनकी दोस्ती ने रोहित को स्कूल में और दिल्ली में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करवाया। दोनों ने स्कूल में काफी मेहनत की और रोहित का एडमिशन IIT दिल्ली में हुआ और कुणाल ने एडमिशन एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में लिया। दोनों अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान भी उतने ही पक्के दोस्त थे जितने स्कूल में थे और आपस में संपर्क बनाए हुए थे। रोहित का IIT में रहते हुए कैपिटल वन नाम की कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, जहां से उनका US जाना तय था और वो मान चुके थे कि अब उनकी लाइफ सेट है, पर शायद उनकी किस्मत में US जाना नहीं लिखा था। ज्वाइनिंग के कुछ महीने बाद जब रोहित की कंपनी ने उनका वीजा अप्लाई किया तो उनका वीजा कोटा लिमिट पूरे होने के कारण रिजेक्ट हो गया, तो उन्हें अगले वीजा एप्लीकेशन तक बेंगलोर पोस्टिंग मिला। पहली बार तो वीजा कोटा पूरा होने के कारण वो US नहीं गए, पर अगली बार वीजा मिलने के बावजूद वो US जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो नौकरी ही छोड़ने का मन बना चुके थे। कुणाल बहल, जो ग्रेजुएशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे और जैसा मैंने बताया कि दोनों दोस्त रेगुलरली एक दूसरे से टच में थे, वो इनफॉर्मली कुछ स्टार्ट करने की बात करते थे और उन बातों पे बिल्कुल मोहर लग गई जब वो दोनों कुणाल के भाई की शादी पे दिल्ली में मिले। शादी के दौरान उनकी कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की डिस्कशन ने ऐसा मोड़ लिया कि करीबन एक हफ्ते उन्होंने हर रोज उस डायरेक्शन में जाने का क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं डिस्कस किया और फाइनली दोनों ने नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लिया। बहुत बड़ा रिस्क था, पर रोहित का मानना था कि नौकरी रुक सकती है, US जाना रुक सकता है, पर एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया नहीं रुक सकता। रोहित ने नौकरी छोड़ दी, कुणाल ने भी नौकरी छोड़ दी और वो इंडिया रिलोकेट हो गया और दोनों ने मिलकर कुणाल के बेडरूम से अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सपना पूरा करना शुरू किया। फिजिकल डिस्काउंट कूपन बिजनेस स्टार्टेड एंड गॉट बस्टेड। रोहित और कुणाल ने
बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और कई आइडिया सामने आए जिसे वो बिजनेस का रूप दे सकते थे। उनमें से कुछ थे प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट, ई कॉमर्स साइट रिव्यू वेबसाइट, ऑनलाइन मूवी टिकटिंग, पर ये सब ऐसे आइडिया थे जिसका मार्केट में ऑलरेडी कोई फर्स्ट मूवर आ चुका था, जैसे प्रोडक्ट रिव्यू के लिए माउथ शट और ऑनलाइन मूवी टिकटिंग के लिए बुक माई शो। तो उन्होंने ये आइडियाज परस्यू करने का प्लान कैंसिल कर दिया। तब उन्होंने एक ऐसे आइडिया के अराउंड बिजनेस सेटअप करने का सोचा जो कुणाल के यूएस रहते समय उन्हें बहुत सही लगा था, और यूएस में वो आइडिया ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल था, फिजिकल डिस्काउंट कूपन सर्विस। तो उन्होंने यूएस में ऑलरेडी सक्सेसफुल उस मॉडल को इंडियन मार्केट में रेप्लिकेट करने का सोचा। उनके हिसाब से इंडियन मार्केट उस समय उस तरह का बिजनेस मॉडल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी। तो उन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च करने का ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया। जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आप ही मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस और लीगल होते हैं। रोहित बताते हैं कि एक स्टार्टअप के लिए कैसे हर ऑपरेशंस खुद हैंडल करना कितना डिफिकल्ट होता है। लोग आपसे जुड़ने से कतराते हैं क्योंकि आप ऐसे स्टार्टअप हो जिसका रेवेन्यू का सोर्स भी अभी डिसाइडेड नहीं है। डिस्काउंट कूपन्स का प्रपोजल लेकर वो खुद ब्रांड्स के ऑफिस में जाते थे, पर ज्यादातर उन्हें निराशा का ही सामना करना पड़ता था। पर कहते हैं ना, कड़े परिश्रम और मन में लक्ष्य पाने की दृढ़ता के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। करीबन 9 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कुछ एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स जैसे डोमिनोज, फर्न्स एंड पेटल, रीबॉक, एडिडास, लिवाइस और कुछ लोकल ब्रांड्स को कन्विंस कर लिया और मनी सेवर नाम से एक डिस्काउंट कूपन बुकलेट लॉन्च की। उनका ये पहला अटेम्प्ट टोटल फेलियर था। उन्होंने जो काउंटर लगाया अपनी वो बुकलेट्स बेचने का, उसमें मात्र 3 बुकलेट बिकी। उन्होंने 50,000 बुकलेट प्रिंट करवाई थी। 1 महीना गुजर गया और मात्र 100 बुकलेट बिकी। कुछ और समय निकला और उन्होंने स्पेसिफिकली रोहित ने ये मान लिया कि समय आ गया है एंटरप्रेन्योरशिप छोड़कर 9-to-5 जॉब करने का। तो दोस्तों, उस समय जब उनके सब फाइनेंसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, बिजनेस आइडिया फेल हो चुका था, वो क्या करेंगे, आइए जानते हैं आगे के वीडियो में। ऑफलाइन टू ऑनलाइन, द बर्थ ऑफ स्नैपडील। उस समय जब वो बिजनेस बंद करने की सोच चुके थे, क्योंकि उन्होंने बहुत से वेंचर कैपिटलिस्ट को अपना प्रपोजल दिया, पर सबने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट एक वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने उनके प्रपोजल में विश्वास दिखाया और उन्हें फंडिंग और फेलियर अवॉइड करने की गाइडेंस दोनों दी, जिसके बाद उन्होंने अपने फिजिकल डिस्काउंट कूपन सिस्टम मनी सेवर को ऑनलाइन लॉन्च किया स्नैपडील के नाम से। सबसे पहले उन्होंने एक रेस्टोरेंट पे मील कूपन की डील डाली, जिसमें आप 350 रुपए देकर 500 रुपए के मील कूपन खरीद सकते थे। इस डील के साथ उन्होंने शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने और कई कैटेगरीज में डील डालना शुरू कर दिया, जिम, स्पाज, रेस्टोरेंट्स, होटल एक्सेट्रा। इस बार रिस्पॉन्स पहले से बेहतर था और एनकरेजिंग रिजल्ट्स के कारण उन्होंने दिल्ली के अलावा मुंबई और 10 और सिटीज में स्नैपडील डील्स ऑफर देना शुरू कर दिया। और स्नैपडील के लॉन्च होने के 14 महीने बाद उन्होंने डील्स वाली मार्केट में, जिसमें दूसरे कॉम्पिटिटर जैसे माईडाला, डील्स एंड यू, टैगल एक्सेट्रा प्रेजेंट थे, उसमें 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। दोस्तों, साल 2011 में स्नैपडील 50 सिटी में प्रेजेंट थी और उसके डील लेने वाले 80 लाख मेंबर थे और वो 100 करोड़ की टर्नओवर टारगेट कर रहे थे। उस समय रोहित और कुणाल ने अपने कस्टमर्स और मर्चेंट्स के फीडबैक के बाद ये डिसाइड किया कि वो एक डील बेस्ड साइट के साथ साथ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस मॉडल भी स्नैपडील पे शुरू करेंगे, जहाँ छोटे और बड़े मर्चेंट, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, अपने प्रोडक्ट इंडिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। उसका आइडिया उन्हें चाइना के सबसे बड़े ई कॉमर्स मार्केट प्लेस प्लेयर अलीबाबा से भी आया था। उनके डिस्काउंटेड डील वाले वेंचर की तरह ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस मॉडल भी बहुत सक्सेसफुल हुआ और स्नैपडील एक भरोसे की वेबसाइट बनी, जहां इंडियन कंज्यूमर घर बैठे कुछ भी मंगवा सकते थे। स्नैपडील के शुरुआती समय में स्नैपडील करीबन 2000 ऑर्डर दिन के करता था, जो मात्र 2 साल में 1 लाख ऑर्डर दिन के हो गए। स्नैपडील ने इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में एक मजबूत पकड़ बना ली। दोस्तों, ये तो थी स्नैपडील की शुरुआत की कहानी। स्नैपडील के इंडियन मार्केट में मजबूती से पकड़ बनाने के बाद के सालों में इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में काफी नए डेवलपमेंट हुए। अमेजोन की एंट्री, फ्लिपकार्ट का डोमिनेंस और फिर वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में मेजोरिटी शेयर एक्वायर करना, स्नैपडील का फ्रीचार्ज को एक्वायर करना और फिर एक्सिस बैंक को बेच देना, इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में नए प्लेयर्स की एंट्री, इस सब पे तो एक पूरी केस स्टडी बन सकती है, जो मैं आने वाले समय में जरूर कवर करूंगा। अभी के लिए स्नैपडील की कहानी निखिल इनामदार की बेहतरीन किताब से। अगर आप स्नैपडील की शुरुआती कहानी और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। दोस्तों, अगर आप इस किताब के अलावा जितनी भी किताबों पे मैंने अब तक एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं
वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो स्टोरी राइट्स के एक्सक्लूसिव Amazon स्टोर फ्रंट पे जाकर खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि स्टोरी राइट्स चैनल का ये विश्वास है कि ये बुक कैन चेंज योर लाइफ। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और इंडियन ब्रांड्स के नाम जिनकी कहानी आप स्टोरी राइट्स चैनल पर देखना चाहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए स्टोरी राइट्स चैनल के फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।